तो एक बार फिर से भाई सभी भाइयों का चैनल पे स्वागत हो गया यार। अभी अभी मैं छत पे आया था धूप सेकने के लिए, आते मैंने एक नोटिस की बात, ये देखो अपना गेट खुला हुआ था और मेरे को नहीं पता था ये बच्चा इसमें रोक रखा, मेरे को लगा उसमें रोक रखा होगा। अभी मेरी नजर ऊपर गई ना, मैंने अभी देखा ये बच्चा इसमें छोड़ रखा था मेरे पापा ने इलाज करने के लिए, और ये अब पूरी तरीके से ठीक हो गया है तो ये मस्ती भी करने लग गया। ये देखो अपने आप ही ऊपर जाके बैठ जाता है, या पता नहीं या ऊपर कितनी देर से था। ये तो शुक्र है भाई मैं छत पे आ गया, नहीं तो कौवे इसको है ना मार डालते पहले कि भाई ये कहीं और चला जाए, मेरे को आराम आराम से पकड़ना पड़ेगा इसको ऊपर जाके। जंगली कबूतरों का कोई भरोसा नहीं, इसको ले जाएं। और अपनी एक ये कबूतरी भी रात को बाहर रह गई थी, मेरे पापा ने बताया था, तो अभी इसको भी काबू करेंगे, वो तो कहीं नहीं जाएगी, वो वापस आएगी। लेकिन इसकी टेंशन है मेरे को, ये जंगली कबूतरों के साथ निकल सकता है, छोटा ही बच्चा है फिर भी। अरे देखो देखो आराम से इसको पकड़ना पड़ेगा। अरे ये देखो जिस बात का डर था ना वही हो गया, ये ऊपर बैठी। भाई ये देखो धीरे धीरे ना जंगली कबूतर आ रहे हैं, और देखो जैसे हमारी कबूतरी है इसके पीछे गई ना, ये भी चला जाएगा, और क्या पता जंगली कबूतर इसको ले जाए। मैं जल्दी से है ना इसको नीचे उतारता हूँ, नहीं तो क्या पता वहाँ पे भी वो भाई कबूतर खोल रखा है उसकी छत पे चला जाए। पागल सा तो है ही वैसे, आ जा भाई बस बस आराम से बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। अरे यार ये पागल बच्चा है ना, बिल्कुल बेशरम हो चुका है, लेकिन गया नीचे भाई जंगली के साथ में गया कि किसके। एक बात तो है भाई इसको पक्की है ना अपनी छत की पहचान है, ये देखो जंगली के देख के ही सिर्फ जंगली को देख के नीचे भाग गया। अब मैं आराम से भाई इसको उस कमरे में कर देता हूँ नीचे, आराम से जाके आराम से उड़ियो मत, बस तू बेटे उड़ना नहीं है तेरे को, कुछ भी हो जाए डर के मैं कुछ नहीं करूँगा, बस तेरे को अंदर करूँगा ताकि तू सेफ रहे, उड़ियो मत आराम आराम से, चल 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 जा 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 इसको उस कमरे में करना भाई, ये अपना टारगेट है बिना उड़ाए बिना कुछ करे, क्योंकि इसका कुछ भरोसा नहीं है भाई, आपको पता है इसकी हालत कैसी हो रखी है। चल 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 जा रहा है सही, मेरे को लगता भाई ये सुबह से ही बाहर निकला हुआ है, तभी इसको है ना आदत होगी इस छत की। चल 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 ये रहा ये रहा, चल उसमें है तेरी जगह, जा 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 जा, जा बेटे जा जा। ये लो दबा लिया आपके भाई ने। मैं क्या सोच रहा हूँ भाई इस बच्चे को हम इसी में शिफ्ट कर देते हैं, ये अपने साथियों के साथ ही रहेगा आज के बाद, फिर इसको भी भागने की लत छूट जाएगी। तो ये चुन्नू मुन्नू बाहर निकल रखा भाई, मेरे को लगता है ये बच्चा बीमार हो रखा है, ये देखो आप खुद देखो, ये देखो लाल बच्चा है, ये लगता उस दड़ में से बाहर आ गया। मैं इसको है ना भाई वापस उसी में डाल देता हूँ, इसका भाई भी है, चेक कर, डरो मत ये यहाँ से निकला हुआ है, लेकिन ये भाई दस लग रखे हैं, मेरे को लगता है इसको दवाई देनी पड़ेगी, अंदर ही नहीं जा रहा। और ये देखो भाई दो बच्चे यहाँ पे भी निकल रखे हैं काले काले, यार अपने पास में सारे बच्चे काले काले निकल रहे हैं। अब एक तो ये रहा, वो ये रहा इसका भाई, ये बाहर निकल रखा है, ये भी काला ही बच्चा हो रखा है, ये देखो इन सबको मिनीजू पे शिफ्ट करेंगे किसी दिन। भाई हमारे पास ना काफी बच्चे हो रखे हैं जिनको हमें मिनीजू में शिफ्ट करना है, पर आपको पता है हमको उनको पेटी में शिफ्ट करना है, लेकिन पेटी अपनी तैयार नहीं होके दे रही, इसलिए आज मैंने तय किया भाई आज पेटी को है ना कंप्लीट करेंगे कुछ भी हो जाए, ताकि कल हम ये बच्चे शिफ्ट कर दें जल्द से जल्द। ये देखो एक तो ये बच्चा शिफ्ट करना भाई, इसकी मेरे को बहुत जरूरत है क्योंकि ये भागने की तादाद पे आ ही गया, इतना बड़ा हो चुका है ये बच्चा। दूसरा और बच्चे दिखाता हूँ मैं आपको, इसके अंदर भी शायद बच्चे हो रखे हैं, इसमें तो भाई कोई बच्चा दिख नहीं रहा खास। अरे यार इसमें एक था बच्चा, अभी अभी मैं यहाँ से हटाना इस भाई का, एक देखो छतरी वाला कबूतर उड़ गया है हरे रंग का, मतलब गुलाबी रंग लग रखा है इसकी बाजू में, ये देखो ये बैठ गया, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ क्या पता अपनी छत पे आके बैठ जाए, आ जा ये देखो ये गया ऊपर, बिठा दिया मैंने इसको, और इस अरे वो दोबारा छतरी पे बैठ गया। एक बच्चा तो ये रहा जो हमें शिफ्ट करना है, एक बच्चा वहां पे है कोने में, एक बच्चा ये नीचे है, एक बच्चा देखो ये रहा कोने में, यहाँ पे ये तो छोटे बच्चे हैं अभी, यहाँ पे भी छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा लाल वो रहा बड़े वाला, और एक सफेद वो बैठा जो उस दड़बे में दिखा रहा था मैं आपको, और दो बच्चे ये रे भाई, एक बच्चा वहां पर कोने में है। तो भाई अभी है ना इतने दिनों बाद पेटी का काम चालू कर दिया है, अभी गोल्लू आया है साथ में अपना सारा सामान लेके आया है, आज इसका गेट लग जाएगा क्या, नहीं लगेगा, पहले इसका नाप लेके भाई फिर करना पड़ेगा। हो सका तो आज पूरा काम कंप्लीट करके कल है ना हम कबूतर इसमें बच्चे शिफ्ट कर देंगे, छतरी के साथ में छतरी लगा के नए कबूतर लेके आएंगे। नए कबूतर के लिए तो अलग एक पेटी का जुगाड़ कर रहा हूँ मैं, ऊपर रखेंगे जो ऐसे कबूतर होंगे ना जो दूर दूर जाएंगे गुल्ले कबूतर, वो इसमें हम भाई पंजाबी कबूतर रखेंगे छतरी पे उड़ाने के लिए बाजी वगैरह। कब से देख रहा हूँ यार अपनी बिल्ली है ना बार बार म्याऊ म्याऊ कर रही है, इसका नाम भी रखना पड़ेगा मेरे को, इसका नाम याद नहीं, इसका नाम वो वाला तो बकवास है भाई बिल्कुल, वो क्यूटी पुटी बेरा ना क्या नाम है, क्यूटी नाम है, बिल्कुल बकवास नाम है भाई बिल्कुल बकवास। और ये मेल है फीमेल नहीं है, मेरे हिसाब से इसका नाम होना चाहिए टॉम।
टॉम एक नंबर का नाम है आज से। टॉम नाम है भाई, क्योंकि टॉम एंड जेरी एक एपिसोड आता था बचपन में, वो मैं देखता था। इसका नाम टॉम होगा क्योंकि ये मेल है भाई, मेल टॉम। तो भाई आप कमेंट बताओ, टॉम सही है या क्यूटी सही है, जिसके ज्यादा होंगे भाई। कमेंट करो क्यूटी और टॉम में से कौन बढ़िया है, वही नाम रखेंगे। ये देखो भाई बिल्कुल ब्याह म्याह में, पहले इसको मैं सोच रहा हूँ बाहर तो निकालना ही पड़ेगा, इसको लगाना है। तो यार अभी हमारा टॉम को है ना बहुत ज्यादा भूख लग गई है, इसके लिए मैंने अभी दूध गर्म हो गया, कौशल दूध गर्म। तो भाई अभी दूध गर्म हो गया है, अब ये ना फाइनली टॉम को दे देते हैं। यार आज अंदर नहीं देंगे कौशल, आज बाहर देंगे इसको दूध। ये देखते हैं आज बाहर निकालेंगे इसको, भाई आएगा कि नहीं आएगा बाहर। आजा टॉम, टॉम ले, टॉम आजा बेटे। टॉम बहुत गर्म है अभी, हैं दिखा। अरे ना ना सही है यार, ज्यादा गर्म नहीं है, वो तेरे को ऐसे ही लग रहा है। टॉम आजा बेटे, ये ले ले। टॉम टॉम टॉम, ये देखो वहां पे, ये देख ही नहीं रहा यार। टॉम ले ले, पीछे हट हट ले, हट ले तू, आने दे। अरे कहीं पे कैमरा मत सेट को, उसको आने दे। आजा टॉम आजा, आजा टॉम। यार लगता है उसको आदत नहीं हुई अभी बाहर आने की, इसलिए बाहर ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। यार तो डर रहा वो, मैं तो सोच रहा था बाहर आएगा ना तो ये अपने कबूतरों के साथ इसकी दोस्ती करवाऊंगा आज, पर मेरे को नहीं लग रहा आज ये बाहर आएगा। तेरे को क्या लगता है दोस्त, ये कहीं उसको मार तो नहीं देगा कबूतरों को? ठंड लग रहा है उसे। टॉम ले आजा बेटा, मैं इसको देता हूँ भाई दूध पास जाके। ये ले आजा ले, ये दो आजा टॉम ले। अब तो ये है ना देखो, डरता नहीं है, देखो अभी आएगा मेरे पास में। टॉम ये देखो भाई, मेरी तो दोस्ती होगी यार इससे, देखो ना कौशल देखो मैं हाथ लगा रहा हूँ कुछ भी ना बोल रहा। टॉम लगता अब इसको पता चल गया कि ये मेरे दोस्ती हैं। ये देखो भाई टॉम, भाई बिल्लियों से मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ पर इसको आज पहली बार हाथ लगाया है। ये देखो पीले पीले बेटे। भाई जैसे हमने आज काम स्टार्ट किया ना, कौन सा कबूतर कौन से, अरे यार ये गोल्लू के काम है जिसने आते और आते इन कबूतरों का बाहर निकाल दिया और ये दाना खाने के लिए यहाँ पे आ गए। इनको बाहर निकाल रहे, बाहर निकाल बाहर निकाल, इनको भी दाना डाल दे जल्दी से। भाई जैसे ही आज हमने काम स्टार्ट किया ना अभी से रुकावट आ गई, इसका जो नाप है ना वो गलत आ रखा है, इसका जो साइज अभी देखो ही, हमें इसमें से बीच में से काटनी है और इसका ब्लेड हम लाना ही भूल गए, आरी से कट नहीं रहा। तो अभी गोलू और विक्की लेने गए हैं ब्लेड। अभी है ना मुर्गी और कबूतर सारे बाहर निकाल दिए हैं, मैं एक बार चेक करता हूँ, यहाँ पे तो एक भी कबूतर नहीं है। अपना एक कबूतर कहाँ पे गया दिया। भाई वो कबूतर तो उड़ता ना, तो भगा कैसे दिया वो कबूतर? उड़ता है थोड़ा थोड़ा और फील्ड में जाके उड़ा दिया। फील्ड में जाके किसने बोला था उसको उड़ाने के लिए? नहीं पता यार, ये विक्की हमेशा ना ये ऐसे काम करता है जिससे मेरा ना दिमाग खराब होता है। अभी एक बार उसको आने दे फिर बताऊंगा। बताओ भाई कबूतर को वहां पे ले जाके क्यों उड़ा दिया? उससे से उड़ा भी नहीं जाता वो तो कभी, भाई अपनी छत पे भी नहीं उड़ा था, उसकी बाजू में झटका याद कर। कौशल तू ही तो पकड़ कर लाया था उस कबूतर को पेड़ के ऊपर से, फिर तूने मना क्यों ना करा उसको जब ये काम करता वो? अब लक्ष्य बोलेगा आएगा तू, और फिर माना ना वो? नहीं माना, बोला क्या चेक करता हूँ उड़ता है या नहीं। आज इसको आने दो भाई, आज इसको ही चेक करवाता हूँ सब कुछ। मैं क्या सोच रहा हूँ थोड़ा है ना टाइसन और लूसी का जो खाना है ना उसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल के मुर्गों के लिए, अरे लूसी तो विक्की के घर पे है, सॉरी टाइसन टाइसन का खाना, मैं सोचता हूँ थोड़ा मुर्गों को भी डाल देता हूँ भाई। इससे क्या होता है ना वैरायटी आती रहती है खाने में, और कबूतर भी खा लेंगे मेरे हिसाब में तो, पर कबूतर अपने खाते नहीं भाई, हमारे घर के कबूतर तो खा लेते हैं, मुर्गे तो खा रहे हैं देखो। फिर से काम चालू हो गया, नया ब्लेड लेके आया, अब कट रहा है ना आज, चालू हो गया और आज खत्म हो गया, आज भाई कंप्लीट करना अभी, कि कल फिर है ना मैं अपने छत से बच्चे ले आऊंगा, बहुत सारे वो रखे हैं पक्का भाई, और छतरी पर लगाएंगे। और ये देखो अपनी मुर्गी है ना टाइसन का खाना खा रही है, जल्दी से इनको खाना दे देते, जल्दी उठा ले खाना, उठा ले जल्दी उसका, ये सारा खा जाएंगे भाई। मैंने इनको अलग से भी डाल दिया तब भी नहीं मान रही है, जल्दी दिया देखो टाइसन खड़ा होगा, इसको पता चल गया अब इसको खाना देने वाले हैं, दे दे खा लेगा। भाई यार अभी है ना बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी, टाइसन ने अभी है ना कबूतरों पर हमला कर दिया था, इसलिए मैंने उसमें बंद कर दिया टाइसन को, बोला डांट के कबूतर को पकड़ कला उसका चोट लग गई तो नहीं है ना, एक बार देखते भाई। ये देखो इसको मैंने है ना इसमें बंद कर दिया है, अभी मुझसे डर रहा है क्योंकि मैंने इसको है ना बहुत बुरी तरीके से धमका दिया। आज के बाद तूने खाया ना कबूतर, हैं तेरे को किसने सिखाया कबूतर खाना, हैं आज के बाद कबूतर मत खा लियो।
ये देखो भाई, ये वो कबूतर है जिसको इसने पकड़ लिया था। बेचारा इस अंधे कबूतर पे ये है ना, लूसी भी इसी पे अटैक करती है, इसको तभी पकड़ लेते हैं। इसी को पकड़ते हैं क्यों? ये भागा नहीं जाता ना इससे। एक इसकी आँख खराब है भाई, गोल्लू का कबूतर है ये। इसकी आँख खराब कैसे होगी गोल्लू? अरे इसके पास सारे ऐसे कबूतर थे, आएंगे भेंगे। फिर इसकी आँख खराब कैसे हुई? तेरे पास हुई या पहले से? अरे यार, पीछे पकड़ा था उसने, पीछे पकड़ा था, चोट नहीं लगा? नहीं लगा ना, छोड़िए एक बार, छोड़िए आराम से, चल अंदर भाग जाएगा। बिल्कुल उड़ता चलता भी नहीं यार। मेरे को लगता है इस कबूतर को है ना मरने की ज्यादा जल्दी है, इसलिए जिसमें टाइसन है ना उसी में जा रहा है। अभी अभी तो टाइसन ने हमला करके हटाया, और ये कबूतरी देख रहे विकी, क्या हो गया? क्या होगा? कील गट की क्या? करंट मार दिया। चलो कोई बात नहीं भाई, थोड़ा बहुत करंट लग गया तो कोई बात नहीं। वो देख जमीन में नहीं, वो देख, वो टाइसन के पास जा रही है मरने। ये देखो भाई, मैं इसको उड़ा देता हूँ तब तक। चल देखो, खुशी देखो भाई, फाइनली गेट अपना कंप्लीट हो गया है। इतना एक नंबर का गेट बनाया हम लोगों ने मिलकर सब ने। ये देखो भाई, बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह। ये देखो भाई, आज है ना, जैसा कि हमने बोला था वीडियो में कि कंप्लीट करके ही जाएंगे पूरा का पूरा, और आज कंप्लीट कर दिया, और कल कबूतर आ जाएंगे जैसा कि मैंने वादा किया था। तो पैर तक आ जाएंगे तेरे सब छत के सारे कबूतर भाई। भाई सारे तो नहीं, बच्चे लेके आएंगे, 8-10 बच्चे और रखे हैं छतरी पे लगाने के। वो तो आ जाएंगे, वो जब से ऐसे हम जाएंगे ना तभी आएंगे। तो इनको फिट कर दे अब, उसके लिए हमने वो निकालना पड़ेगा सबसे पहले, उस टॉम का घर। अरे उसने पकड़ तो लो। तो भाई फाइनली अभी है ना गेट रेडी हो ही गया, बस एक बार खोल के ट्राई करना है। देखिए खुल तो जाएगा ना? खुल जाएगा, क्योंकि भाई मिस्त्रियों पे मेरे को इतना भरोसा नहीं है जितना ये काम कर रहे हैं। ये देखो भाई फाइनली गेट तो लग गया, लेकिन है ना अपने कबूतर सारे ऊपर बैठ रखे जो डर गए थे टाइसन से। गोलू पकड़ है या फिर नीचे करेगा? सुन पकड़ लिया ना, यहाँ पे छोड़ दे, नीचे अपने आप आ जाएंगे। नीचे छोड़ दे, नीचे हाथ करके एक बार, एक एक कर। हाँ आराम था, आराम था, आराम था, आराम था यार। आ गया, आ गया, आ गया। अरे तू छोड़ गोलू, तेरे पे इस पे ईश्वर ना छोड़े जा, इस भाई पे तू छोड़ आराम से। ये देखो भाई एक और, ये और आ गया, छोड़ दे आराम से, कहीं ऐसा ना नीचे गिर जाए। तो भाई फाइनली सारे कबूतर आ गए, अभी इनको अंदर कर देते हैं फटाफट। चलो चलो चलो, चलो।